हेलो फ्रेंड्स, शायर निशा निशा फूड क्रेस में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं चने दाल के पराठे। आप इसे दाल भरी पूरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 घंटे पहले चने की दाल को भिगो दिया था, करीब 3 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गई है दाल। तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे फैमिली के सदस्य उस हिसाब से आप दाल को भिगो लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी दाल को भिगोया था, फूल करी इतनी सारी दाल हो गई है। इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे और 2-3 पानी से दाल को धुलकर ही भिगोइएगा। उसके बाद इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, बॉईल वाली भी रेसिपी मेरे चैनल पे है और इसको हम छौंक लगाकर इसको हम बनाएंगे। अगर आप कच्चे चने की दाल से ये दाल भरी पूरी या दाल भरा पराठा बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म किया, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया है, यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों का तेल और 1/2 चम्मच जीरा डाला है और थोड़ा सा 3 से 4 पिंच हींग डाली है और 1/2 चम्मच हल्दी डाला है। तेल का फ्लेम, गैस का फ्लेम हल्का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चने की दाल डाल देंगे। हींग और जीरे से ही और हल्दी से ही हमने इसमें छौंका लगाया है। उसके बाद यहाँ पे चने की दाल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक हमें दाल को भूनना है। 1 मिनट तक हमें सोंधापन आने तक इसे हमें भूनना है। यहाँ पर कोई भी पानी नहीं डालेंगे और इसे करीब 5 मिनट हम पकाएंगे और दाल हमारी रेडी हो जाएगी। 1/2 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे हम दिखाएंगे कहाँ पे डालना है। पहले इस तरह से कंटिन्यू इस दाल को चलाते हुए हमें पकाना है, मतलब मिक्स कर लेना है। तो 1 मिनट करीब चला लिया है, उसके बाद देख लीजिए ग्लास में 1/2 ग्लास पानी है। इस ग्लास भर 1/2 ग्लास पानी को हम डाल लेंगे, मतलब 1 कटोरी हमने दाल ली है तो 1/2 कटोरी हम यहाँ पर पानी डालेंगे। देख सकते हो आप, पानी ऊपर नहीं आया है, बस इतना ही हमें डालना है पानी। और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे, लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट दालों को पकाना है। इसकी भाप से ही अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल हल्की सी टाइटपन रहेगा, बस उतना ही हमें इस दाल को पकाना है। बिल्कुल गलाम नहीं देना है, हल्का सा इसमें कड़ापन रहेगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हम इसको चेक करेंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो अब हम ढक्कन हटा के दाल को चेक कर लेंगे। देखिए दाल का कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी लगभग ख़त्म हो गया है, हल्का फुल्का पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको दाल चेक करके दिखा देती हूँ। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, देखिए इस तरह से मैंने लो रखा था और लो फ्लेम पर ही इस दाल को हमें पकाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें दाल आपको चेक करके दिखा देते हैं। और जब थोड़ा बहुत पानी है और दाल अच्छे से पक गई है तो आप यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई करके पानी को जला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्का सा वाइट पन आएगा दाल के अंदर जब आप तोड़ोगे, बस इतनी देर के लिए हमें दाल को पकाना था। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई करके हमने जो थोड़ा बहुत पानी था उसे जला लिया है, कढ़ाई में रख दिया दाल ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर 2 कटोरी आटे के, गेहूँ के आटे को हम जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंथेंगे, मगर उससे थोड़ा सॉफ्ट गूंथेंगे क्योंकि जब हम स्टफिंग को भरें तो वो स्टफिंग बाहर ना आए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हम स्टफिंग भरें उसके लिए आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ कर रेडी करना है। तो चलिए आटा भी गूंथ गया है लगभग। और यहाँ पे देखिए दाल भी हल्की ठंडी करनी है, बिल्कुल ठंडी नहीं करिएगा नहीं तो ये दाल पिसेगी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, सिल पे इसलिए पीसेंगे, इसमें हमें कोई भी पानी नहीं डालेंगे और दाल इक्वली एकदम बराबर पीसेगी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी दाल पीस रही हैं और इस सिल पे बहुत अच्छी दाल पीस कर इसका पराठा चाहे दाल भरी पूरी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से सारी दाल को हम पीस कर रेडी कर लेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और जो इसको पूरन बोलते हैं, ये जो बेसन चने की दाल का होता है ना, ये पूरन होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भरभरा। तो इस तरह से हमें इसको पीस कर रेडी करना है। तो सारी दाल को हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और हल्की गर्म दाल को ही पीसना है। यहाँ देखिए आटा भी गूंथ कर रेडी हो गया और उस जो हमने पूरन बनाया है उसमें यहाँ पर 5-6 कली लहसुन की और मिर्च की डालेंगे। तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद है। तो 5-6 कली हमने लहसुन ली है, 3 मिर्च ली है, मिर्च थोड़ी सी तीखी है तो हमने यहाँ 3 ले ली है। अच्छे से पीस कर हमें इसमें पूरन में मिक्स कर लेना है। तो हमने सिल पे मिक्स पीस लेंगे जिससे कि जो भी दाल एक्स्ट्रा लगी है वो भी निकल जाएगी। दूसरी थाली में हम उठा लेंगे। तो चलिए अब इसमें हमें नमक ऐड करना है, तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, जितना पसंद हो आपको, कम ज़्यादा आप उस हिसाब से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो
यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल रेसिपी निशा फूड क्रस्ट पे वो वाली भी है फ्रेंड्स, जो कि आपको कुकर में बनानी है, तो वो भी बिना भिगोए दाल आप बना सकते हो। दाल भरी पूरी कैसे है वो मेरे चैनल पे अपलोड है। इस समय चल रहा है अदरा नक्षत्र, जिसमें ये दाल भरी पूरी, दाल भरे पराठे बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। तो खीर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की है, आप देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी रबड़ीदार खीर बनी थी। तो यहाँ पर देखिए, हमने लोइयाँ बना लेनी है, रोटी से थोड़ी सी बड़ी बनानी है, और इस तरह से आप गोल गोल करके परथन लगा के इसको कटोरी जैसा हम बना लेंगे और इसमें स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग देखिए कितनी ज़्यादा भरी जा रही है। इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसको बंद करना है, तो इस तरह से इसको हम बंद कर लेंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से घुमा के इसको पेड़ा चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से हम घुमा लेंगे। तवा रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। आप इसी को ही बेल कर पूरी की जैसे छान भी सकते हो, मतलब तल भी सकते हो, या फिर इस तरह से तवे पे सेक लेंगे तो इसमें थोड़ा कम ऑयल लगता है, तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसे तल कर बनाएंगे तो ये दाल भरी पूरी हो गई, और सेक के बनाएंगे तवे पे तो दाल के पराठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे गरम कर लिया है, सरसों का तेल भी रख लिया है साथ में, आप रिफाइंड या सरसों का तेल कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हम बेल लेंगे पराठे को, बिल्कुल भी हमारे पराठे फटे हुए नहीं नज़र आएंगे और बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब गैस का फ्लेम यहाँ पे अभी हाई है, और इस तरह से दूसरा भी हम बेल कर आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, दूसरा भी हम इस तरह से भरेंगे। पहले से कटोरी जैसा बना लेंगे, फिर इसके अच्छे से स्टफिंग को भर लेंगे, और ये स्टफिंग आप 2 दिन तक रख कर पराठे इसके बना सकते हो, ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रख कर आप इसका पराठे बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम पलट देंगे एक साइड से, जब ये चित कवर हो जाएगा, पराठा हल्का सिक जाएगा, तो बस उसको पलट देना है। और दोनों दूसरा जो हमने भरा है इस तरह से चिकना कर लेंगे लोई, और उसके बाद इसमें सूखा परथन लगा देंगे, और इस तरह से इसका चकला बड़ा कर लेंगे। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं। तो अब पराठे पे लगाएंगे तेल, उससे पहले हम यहाँ पे इसको बेल कर पहले रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इक्वली बराबर पराठा बेलकर रेडी हो गया है। अब इस पराठे में हम लगा लेंगे तेल। आप तवे पे नहीं बनाना चाहते फ्रेंड्स, यही स्टफिंग के साथ इसी तरह भरना है, इसी तरह बेलना है। बेल को मतलब आप लोइया थोड़ी छोटी लीजिएगा तो छोटा बनाइएगा, पूरी की तरह इसे तल सकते हैं, तो ये हमारी दाल भरी पूरी हो जाएगी। तो आप इस तरह से चाहे उस तरह से दोनों आप बना सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, हमारे पराठे कितने अच्छे से गुब्बारे जैसे फूल गए हैं, तो बहुत ही टेस्टी और चटपटे पराठे हैं। इसको चटनी से, खीर से, या फिर आप कोई भी सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी से खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक पराठा बनकर रेडी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। यहाँ पे हमने प्लेट में निकाल लिया है। दूसरा पराठा भी हम गैस पर डाल देंगे तवे पे, और इसी तरह से सेम हम सेक लेंगे। तो सारे पराठे हम इसी तरह से सेक कर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा तीसरा पराठा रेडी हो गया, ये देखिए। तो सारे पराठे फ्रेंड्स इसी तरह सेक कर आपसे फिर मिलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, सारे पराठे हमारे सिक गए हैं, और इस पर हमने लिए चटनी। आप सब्जी के साथ, खीर के साथ भी खा सकते हैं। ये हाथ की बनी हुई चटनी है, जो सिल पे बनती है, लहसुन मिर्च और हरे धनिए की, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो जिसने भी सिल की चटनी खाई होगी उसे इसका स्वाद पता होगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मिक्सर में भी बना सकते हो, मगर सिल की चटनी की बात अलग होती है। और ये देखिए, स्टफिंग दिखा दे कितनी भरी भरी है स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, चने की दाल के ये पराठे की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।